सचकाल जी, मैं हां संदेश ओलक शर्मा जगबाणी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत है। विले हुण तक ते हम खबरां दा विस्तार विच जाण तों पहला एक नज़र सुर्खियां ते। हुण सीटीयू नाल किते जा सकणगे खाटू श्याम दे दर्शन। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिखाई राजस्थान धार्मिक थावां ते जाण वालियां बसां नूं हरी झंडी। राहुल गांधी दी ईडी दे सामने पेशी दे विरोध विच चंडीगढ़ कांग्रेस ने ईडी दे दफ्तर बाहर कीता धरना प्रदर्शन। अते मूसेवाला नूं कोरियन फैन ने दित्ती श्रद्धांजलि। पंजाबी सिंगर दा गाना गाया, वीडियो होया वायरल। हुण खबरां विस्तार नाल। खबरां दी शुरुआत विच सब तों पहलां गल करदे आं उन्हां शरधालुआं दी जो खाटू श्याम जाणा चाहुंदे ने। तां तुहानूं दस्सदे आं कि हुण चंडीगढ़ तों तुसीं सीधा खाटू श्याम जा सकते हो, क्योंकि चंडीगढ़ दे विचों सीटीयू दीआं बसां हैगीआं ने जिहड़ीआं उन्हां नूं प्रशासक वल्लों हरी झंडी दे दित्ती गई है। यानी कि राजस्थान दे धार्मिक थावां ते हुण चंडीगढ़ दीआं सीटीयू दीआं बसां भी चलणगीआं। उधर राहुल गांधी की ईडी सामने पेशी का विरोध कांग्रसियों वालों लगातार किया जा रहा है। चंडीगढ़ के भी कांग्रसियों ने इसके विरोध वजो ईडी के दफ्तर बाहर धरना प्रदर्शन किया। बार बार अपने विरोधियों के घर ईडी भेजना, क्या बीजेपी के सारे नेता दुध के धुले हैं? किसी के घर अज तक ईडी जाती नहीं देखी। कोई भी लीडर, चाहे वह बंगाल होए, चाहे वह झारखंड होए, चाहे दिल्ली होए, चाहे पंजाब होए, हर जगह ईडी पहुँच जाती है। वो किस लिए पहुंच रही है? आज तक दे इतिहास दा सब तो ज्यादा 80 रुपए नु टच करन लग्या डॉलर। कोई चीज उठा के देख लो। और एक ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी। नेशनल हेराल्ड मामले दे विच कांग्रेस दे राहुल गांधी दी ईडी दे सामने पेशी दे खिलाफ चंडीगढ़ दे विच कांग्रेस पार्टी वल्लों रोस मुजाहरा कीता गया। इह रोस मुजाहरा सैक्टर 18 दे विच ईडी दफ्तर दे बाहर कीता गया। चंडीगढ़ कांग्रेस दे नवे बने प्रधान हरमिंदर सिंह लक्की समेत कई कांग्रसी आगुआं ने शांतिपूर्वक इत्थे धरना दिता। ते उत्थे ही महिला कांग्रेस दी प्रधान दीपा दुबे ने भी महिला कांग्रसी वर्करां दे नाल पहुंच के रोस मुजाहरे विच शमूलियत कीती। कांग्रसी आगुआं दा कहना सी कि जदों तक राहुल गांधी तों पुछगिछ जारी रहेगी उदों तक उन्हां दा इह धरना भी जारी रहेगा। सोनिया गांधी उन्हां दे नाल कांग्रेस दा वर्कर सोलीडैरिटी एक्सप्रेस करन वास्ते खड़ा कीता है। बार बार अपने विरोधियों के घर ईडी भेजना, क्या बीजेपी के सारे नेता दुध के धुले हैं? किसी के घर अज तक ईडी जाती नहीं देखी। कोई भी लीडर, चाहे वह बंगाल होए, चाहे वह झारखंड होए, चाहे दिल्ली होए, चाहे पंजाब होए, हर जगह ईडी पहुँच जाती है। वो किस लिए पहुँच रही है? अज तक के इतिहास का सब तो ज़्यादा 80 रुपए नू टच करन लग्या डॉलर। और तुसी देख सकते हो कीमतों के भाव, दाल के भाव, आटे के भाव, मैदे के भाव, सरसों के तेल के भाव, गैस के भाव, पेट्रोल, डीजल, कोई चीज उठा के देख लो। और एक ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी, हिंदू मुसलमान ईडी। बस इन्हां कोल होर कुछ है नहीं। तो अज कांग्रेस का वर्कर इन्हों दसना चाहता कि असी इन्हां दा जुल्म नहीं सहांगे, असी अगे वध के लड़ांगे, असी धरना भी देवांगे, प्रदर्शन भी करांगे, लोड़ पई तां कराओ भी करांगे, अगे भी वधांगे। मुझे तो कोई सुशासन नज़र नहीं आता, इससे ज़्यादा कुशासन नहीं हो सकता। आज तक के भारत के इतिहास में अगर हम पौराणिक समय का भी इतिहास देख लो, कोई राजा, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री राजा ही बने हुए हैं, कोई राजा ऐसा नहीं रहा जिसने इतना प्रजा के ऊपर त्रास की हो, इतना जोर जुलम किया हो। आज उनके पास समय नहीं है, विदेश घूमने के लिए उनके पास समय है, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं है। छोटी से छोटी बात पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, कहाँ है उनका ट्विटर हैंडल? क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आवाज़ उठाते, क्यों नहीं गरीबों को कोई सहारा देने की कोशिश कर रहे? पेट्रोल के काम क्यों नहीं कम कर रहे? डीजल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे? क्यों आम लोगों को रोशन नहीं मिल रहा? क्यों लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही? 2 करोड़ रोजगार का वादा था, आज कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? आवाज़ उठाते हैं तो आप ईडी के केस कर दोगे? कर लो, हमें कोई डर नहीं है। आप जितने केस लगाना चाहते हो लगा लो। मैं कहता हूं, जब नहीं डरे थे गोरों से तो क्यों डरोंगे चोरों से? इन भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से हम डरने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। कांग्रेस का एक एक वर्कर लड़ाई लड़ना जानता है। ये वो पार्टी है जो देश में गोरों के साथ लड़ी थी, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इनको आता है लड़ना, कैसे लड़ना है हमने ऐसी दमनकारी पार्टी के साथ, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज का हमारा जो धरना है शांति में ही है। चंडीगढ़ एक शांति प्रिय शहर है, हम नहीं चाहते कि यहाँ की स्थिति खराब हो, हम यहाँ शांति में ढंग से बैठे हैं। दस दिए कि कांग्रेसी आगू राहुल गांधी अज इनफोर्समेंट डायरेक्टर दे सामने पेश हो रहे ने। ते उते ही सोनिया गांधी नूं भी इनफोर्समेंट डायरेक्टर ने शुक्रवार नूं ताजा समन जारी करके नैशनल हेराल्ड मामले विच 23 जून नूं पेश होण लई कहा है। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਨਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਨ ਫੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਸ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਤਾਉਣ ਕਾਸਤੋ ਚੰਗਾ ਪੱਲਾ ਹੱਸਤਾ ਸਿਮੂਨ ਕਾਸਤੋ ਅਚੇਰੇ ਦੇਰ ਬਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਚੱਕੀ ਖੋਰਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤੋਰਾ ਚੰਦਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸਤੋ ਕੁਛੀਏ ਦੇ ਚੰਦ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚੰਦਨੇ ਕੁਛ ਤਿੰਗ ਪੋਰ ਥਲ ਲਾਉਣਾ ਚੰਦਨੇ ਕੁਛ ਕੋਨੇ ਆਏ ਤੇ ਭੁੱਕੇ ਪੇਮਦੇ ਨਾਮ ਲਾਇਕ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਚੰਦਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦ ਤੇ ਪਾਇੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਨੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤ ਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ ਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਰ ਮਤ ਨਾਮ ਤੇ ਤਬੇਤ ਮਿਲੂਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ ਖਤਮ ਮਿਲੂ ਤੋ ਸੋ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਘਾਰੇਗਾ ਤਰਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਹੇਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। चंडीगढ़ कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने हैं एचएस लक्की, वो हमारे साथ हैं। एचएस लक्की जी, आपसे बात करें, चंडीगढ़ कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट आपको बनाया गया है, काफ़ी बीचों बीच में अगर हम बात करें एकदम सुभाष चावला जी ने इस्तीफा दिया और आपको बनाया गया, किस तरह से देखते हैं परिस्थितियों को और नया प्रेसिडेंट आपको बनाया गया? देखिए, पार्टी समय समय पर फैसला रहती है कि किस व्यक्ति को किस की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सुभाष चावला जी हमारे बड़े ही सीनियर लीडर हैं, बड़े वरिष्ठ लीडर हैं और उनका बड़ा अनुभव रहा है और जब तक उन्होंने पार्टी को उन्हें ठीक समझा उनकी सेवाएं ली गई है, हो सकता है पार्टी उनकी कहीं ना कहीं और जिम्मेवारी लगाए। पर मैं समझता हूं कि मुझे जो मौका दिया मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवाद दूँ, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का, हमारे जो युवा लीडर हैं राहुल गांधी का, हमारे चंडीगढ़ से चार बार के सांसद रहे पवन बंसल जी का, हमारे पंजाब और चंडीगढ़ प्रभारी हरीश चौधरी जी का, रणदीप सुरजेवाला जी, यहाँ पर जितनी सीनियर लीडरशिप बैठी है मेरे साथ, इन सब का और एक एक कांग्रेस के वर्कर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज मुझे ये मौका मिला है चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। मैं जो परिस्थितियां होती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो लहरों के साथ होता है ना, वो हर तैराक लहर के साथ तैर सकता है, जो लहरों के उलट तैरता है वही असली तैराक होता है। आज मुझे पता है कि लोग लिख रहे हैं कि जी कांटों का ताज है, माहौल बहुत ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों के मन में स्थिति अच्छी है। कुछ सत्ता के लालची लोग जरूर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं मगर उनको ये नहीं पता कि 8 साल मोदी सरकार के बीत चुके हैं, लोग उनसे परेशान हैं, नौकरियाँ लोगों को मिल नहीं रही, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, इकॉनमी का बुरा हाल है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सैकड़ा टच कर रहे हैं और ऐसी स्थिति के अंदर जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोगों को सत्ता की सूझ रही है, आज लोगों के लिए संघर्ष करने का समय है। ये जो बैठे ना सभी कांग्रेस के साथी यहाँ पर, ये संघर्ष के लिए तैयार है। ये भी जा सकते थे आराम से, वहाँ मलाई खा सकते थे, बैठ सकते थे, बीजेपी में भी जा सकते थे, आम आदमी पार्टी में जा सकते थे, मगर इन्होंने चुना कि उस पार्टी के साथ रहेंगे जिसका इतिहास है, जिसने गोरों के साथ लड़ाई थी, जिसने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था, जिसने इस देश को बनाने का काम किया था। हमारा मकसद कोई राजनीतिक फायदा लेना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की लड़ाई लड़ना है और लोगों की लड़ाई आप कब लड़ सकते हैं, जब आप एक सशक्त विपक्ष बनकर लोगों की आवाज उठाएंगे तो लोग भी समझेंगे कि यार ये पार्टी सही है जो हमारी बात को उठा रही है। आज पार्टी के बारे में प्रेस करना, रवि किशन जी आ गए, ये आ गया जी, वो आ गया जी, अपनी बड़ाई करना, वो नहीं है। आपको लोगों का दुख नजर नहीं आ रहा? आज आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बना रहे हो और लोगों को तंग करने की कोशिश कर रहे हो, सही मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, जगह जगह हर जगह हिंदू मुसलमान का डिबेट चलवा रहे हो। क्यों नहीं नौकरियों पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं गिरती इकॉनमी पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं महंगाई पे डिबेट चलवा रहे? क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दामों पे डिबेट चला रहे? क्योंकि नहीं बढ़ते हुए रुपये और डॉलर के डिफरेंस पे डिबेट चला रहे? ये डिबेट चलाने के जाए असल मुद्दों से भटका रहे हैं और मेरे को ऐसे समय में जिम्मेवारी मिली है, बहुत मुद्दे हैं, उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कि जब बात करें कांग्रेस, आप युवा कांग्रेस से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस से बने हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, जिस तरह से आप कांग्रेस की परिस्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से आप अपने पार्षदों को और कांग्रेस को एकजुट करेंगे? कांग्रेस के जो साथी हैं ना पार्षद, मेरे को उन पर पूरा विश्वास है, जिसका जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, जो समझता है कि लोगों ने उसको इस करके वोट देकर बनाया था कि वो उनकी लड़ाई लड़ेगा, वो तो कांग्रेस में रहेगा। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि ये संघर्ष का समय है और संघर्ष का समय हर कोई नहीं सह सकता। बहुत से ऐसे लोगों के अंदर वो कहते हैं कि लड़ने का मादा नहीं होता, जिसके अंदर लड़ने का मादा होगा वो कांग्रेस में रहेगा, जिसमें लड़ने का मादा नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कोई चले जाओ यहाँ से, हम हर उस व्यक्ति को आह्वान कर रहे हैं जो शायद नाराज़ है या किसी वजह से घर बैठा है कि आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको एक अपील करना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी शहर के किसी कोने में बैठा है, गांव में बैठा है, कॉलोनी में बैठा है, किसी सेक्टर में बैठा है, आपका
स्वागत है कांग्रेस भवन के अंदर। आप आइए, अगर आपको कोई दुख तकलीफ आप हमें बताइए, मगर लोगों की लड़ाई लड़िए। अगर इस समय आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो इतिहास में आपका नाम नहीं रहेगा। लोग कहेंगे कि जब ज़रूरत थी हमारी लड़ाई लड़ने की, ये घर पर बैठे थे। आज हम ये साथी है ना, ये घर पर नहीं बैठे, ये यहाँ बैठे हैं। तो इसी तरह की सोच के साथ कांग्रेस को आगे आना हो। पार्षद पहले कांग्रेस में चले गए, अभी भी सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि और पार्षद के जाने की ऐसी अफवाहें फैल रही हैं, तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे जिस तरह से अब स्थिति है? अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का, मुझे इनकी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। थोड़ी स्थिति ऐसे जरूर कुछ भ्रम की भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की, और मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग जो सत्ता के लालच में वहाँ पर चले गए, हमारे में से ऐसे साथी जो थे, जो जाने थे वो चले गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई जाएगा, पर हमारा एक एक साथी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो काउंसलर के बराबर है। कुछ काउंसलर बन गए या नहीं बने, मगर हमारे लिए सभी इम्पॉर्टेंट है। जो व्यक्ति आज सड़क पर खड़ा होकर लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए वही पार्षद है, वही नेता है, वही कांग्रेसी है। पूर्व प्रेसिडेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सुभाष चावला जी आज पहला प्रदर्शन है आपका, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। सुभाष चावला जी की तबीयत कुछ नासाज थी, कल मैं उनके घर पर मिलने गया था, और कई बार क्या होता है कि कभी थोड़ा समय भी लगता है कि व्यक्ति को एक उसके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। चावला जी ने कोई ऐसा बयान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और पुराने लीडर हैं, सीजनड लीडर हैं, और कांग्रेस के साथ 40-45 साल से जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे, वो हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे और हम उनकी पूरी इज्जत करेंगे। तो ये कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट हैं एचएस लक्की, जिनका कहना है कि वो कांग्रेस को एकजुट रखेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। भोजपुरी कलाकार ते भाजपा सांसद रवि किशन चंडीगढ़ पहुंचे, इत्थे उन्हां दा जोरदार स्वागत होया। स्वागत तो बाद ओ पत्रकारां दे मुखातिब भी होए, ते इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार वालों किए गए कम्मां दा वेरवा भी दिता, नालों नाल पंजाब सरकार ते कई तरह के सवाल खड़े किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन और गरीब भलाई मुहिम तहत भाजपा चंडीगढ़ के वलों मौली जागरण विकास नगर विखे विशाल रैली और जनसभा का आयोजन किया गया, जिस विच भोजपुरी कलाकार, प्रसिद्ध गायक और लोक सभा मैंबर रवि किशन ने भी मुख तौर ते शिरकत की, नाल ही नाल जनसभा नूं संबोधन भी किया। इस मौके सांसद मैंबर रवि किशन ने 8 साल दौरान किए गए कामों के बारे विच विस्थार दे नाल जानकारी भी दी। इस दौरान उन्हां बोलदिया कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ देश 2014 तो नवे भारत वजो उभर रहा है। जदों तों केंद्र सरकार ने सत्ता सांभी है, देश की तरक्की अते विकास के लिए बहुत सारे काम किए गए ने। देश हर खेत्र विच तरक्की कर रहा है, प्रधानमंत्री हर योजना से बारीकी दे नाल नज़र रखते ने। अज देश के हर व्यक्ति की भलाई का ध्यान भी रखा जा रहा है। विकास को लेकर ये बातें पूरे देश में जा रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब चंडीगढ़ आए और जहाँ जहाँ हम जा पार्टी हमको लगा रही है, हम जा रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो बोलते रहूं मैं, पूरी रात बोल सकता हूं। उनके इतने काम है कि कुछ कितने पॉइंट्स को गिनाते गिनाते बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि समय कम हो जाता है। उन्होंने इतना काम 8 साल में किया है कि आज पूरा देश धन्य है, आज पूरे देश का गरीब कल्याण, आज सब लोग खुश हैं। आज हमारी तभी उत्तर प्रदेश में हमने फिर बहुमत की सरकार बनाई। मैं चाहूँगा कि पंजाब भी जागे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दें, भारतीय जनता पार्टी को दें, और देखिए ये पंजाब निहाल होगा। एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, सबको दिया गया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को दे तो हम इस संपन्न पंजाब को बचा लें, ये सुंदर पंजाब को हम लोग बचा लें। ये एक पंजाब जिसके लिए पूरे विश्व में इसको सम्मान है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री की अगुवाई में कई योजनावां चलाई गई ने, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री स्वै फंड योजना के सने होर कई योजनावां केंद्र सरकार के वलों बनाई गई ने, जिन्हां राही गरीबों की भलाई की गई है। जगबाणी टीवी के लिए चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन लैंड पुलिंग पॉलिसी ते काम कर रही है, इसे नूं लैके प्रशासक दे सलाहकार धर्मपाल ने पूरा वेरवा दिता। उन्होंने कहा कि लाल डोरे ते बार किस तरह दे नाल वादा जा रहा है दारिया, इस नूं लैके पूरी जानकारी उन्होंने दी।
चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल के मुताबिक लाल डोरे के बाहर काफ़ी निर्माण बढ़ गया है। यही कारण है कि प्रशासन लैंड पुलिंग पॉलिसी उत्ते काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पॉलिसी के तहत पिंडां दी खाली जमीन नूं कब्जा मुक्त करके लोगों नूं रेजिडेंशियल अते कमर्शियल डिवेलपमेंट दे लई दिता जाएगा ते उत्थे ही निजमां दे तहत ओ लोक निर्माण कर सकणगे। सलाहकार दे मुताबिक लैंड पुलिंग पॉलिसी उदों ही काम करेगी जदों उन्हां कोल खाली जमीन होवेगी ते प्रशासन ने बेंगलुरु दे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सैटलमेंट नूं पिंडां दी खाली पई जमीन दे इस्तेमाल लई कंसल्टेंट हायर कीता सी। Which was totally untouched by computerization, so that has been fully computerized. Labor department, a housing board, totally online hai, and regulatory compliances ka jahan tak sawal hai, humne mere aane ke baad, I think that was another major area that we focused upon. 11,000 ke takriban points humne identify kiye the jinki regulatory compliances kam honi thi. To ye abhi last report aane tak humne koi 1125 फेज वन में सारी वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को कम किया है और अभी फेज टू का काम अभी चल रहा है और भी हम इसको कम करेंगे। और उसके बाद लडाख टेक्नोलॉजी के द्वारा एक हमारा चंडीगढ़ का पूरा सर्वे हुआ था, वो सर्वे बना हुआ था लेकिन वो सिस्टम उसका बना नहीं था पूरा उसको इस्तेमाल करने का, तो वो सिस्टम एक बनाने की अभी कोशिश की जा रही है कि सारा जो भी एक्चुअल जो लेज़र के साथ जो उसकी मैपिंग की गई है तो उसके साथ अब बाकी डिपार्टमेंट को भी जोड़ा जा रहा है। तो जैसे आपको कोई इंस्पेक्शन करना हो या मेजरमेंट करनी हो तो आपको फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप उसी से ही सारा उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ इज़ द फर्स्ट इन यूज़ ऑफ दिस एरियल एंड लडार टेक्नोलॉजी। ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर में हमने काफ़ी उस पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस एक उसका एक कंपोनेंट है, 40 बसेज हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, 40 अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में और आनी शुरू हो जाएंगी। आई थिंक फर्स्ट बैच हम लोग ऑपरेशनलाइज करेंगे बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। ਉਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिटी ब्यूटीफुल च वधदे क्राइम नूं लै के हर कोई चिंतित है। जिथे चंडीगढ़ पुलिस वल्लों अपराध ते कड़ी नज़र रखी जा रही है, उथे साइबर क्राइम तो नागरिकां नूं जागरूक करन लई वख-वख तरह दे प्रोग्राम उलीके जा रहे हन अते अपील भी कीती जा रही है कि लोग इस दा वध तों वध लाभ उठाउण। उधर ऑनलाइन भुगतान कर रहे लोकां नाल बहुत कुछ हो रहा है, अजिहे च लोकां नूं जागरूक होण दी लोड़ है। इस मौके मुख मेहमान दे रूप वजो चंडीगढ़ दे DGP प्रवीण रंजन मौजूद रहे, जिथे उन्हां दा कहना है कि पहला अपराध शारीरिक हुंदा सी पर हुण अपराध डिजिटल हो रहा है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी के का एक अभियान शुरू किया है और ये अभियान हमारा आने वाले दिनों में चलता रहेगा, जिसके तहत हम लोग इसको एक जन आंदोलन के रूप में साइबर के बारे में अवेयरनेस, साइबर हाइजीन के बारे में, साइबर सेफ्टी के बारे में और साइबर से रिलेटेड जो साइबर क्राइम हैं उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे, हम उन लोगों को उसके बारे में जागरूक बनाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि ये संदेश जो है कोने कोने तक पहुँचे, समाज के हर वर्गों तक पहुँचे, ताकि जो लोग बड़ी आसानी से साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं या किसी तरह के प्रलोभन में आ जाते हैं या साइबर क्रिमिनल्स जो हैं उनकी एक तरह से जो इनोसेंस है उसका फ़ायदा उठा करके जो उनको चीट करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति लोगों को सचेत करना, यही हमारा इस का मकसद है, इस प्रोग्राम का मकसद है और इसको अभी हम एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। और जैसा आपको बताया है भारत सरकार का इसमें मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इन सब की तरफ से हमको एक अनुदान राशि भी दी गई है, जिसके तहत NSG के आर्टिस्ट और संगीत नाटक एकेडमी के आर्टिस्ट ये लोग गली गलियों में जाकर के लोगों को साइबर सेफ्टी और साइबर हाइजीन के बारे में अवेयर करा रहे हैं। हमने एक साइबर अवेयरनेस वैन भी लॉन्च किया है जिसको आपने देखा अभी, इसके तहत हमने जो साइबर सेफ्टी और अवेयरनेस पे जो मूवीज़ बनाई हैं वो भी हम लोगों को दिखाएंगे ताकि लोगों को इसकी समझ और बढ़े और लोग और ज़्यादा जागरूक हों। ये सभी हम सभी जगह जाएंगे, सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस और जितने इम्पॉर्टेंट वेंटेज पॉइंट्स हैं, चाहे एलोंटे मॉल है,
या फिर इवन कॉलोनीज जो है हमारी, धनास है, मनी माजरा है, हल्लो माजरा है, इस इन कॉलोनीज में भी जा करके हम लोग ये अभियान चलाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसके बारे में जागरूक करें। आपको पता है पिछले कुछ वर्षों में साइबर क्राइम के अपराध बढ़ते जा रहे हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि जो क्राइम पहले फिजिकल स्पेस में होता था, अब वो डिजिटल स्पेस में मूव कर गया है और आसान हो गया है लोगों को ऑनलाइन चीट करना, बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गई हैं, लोग अब फिज़िकल इंट्रैक्शन कम करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही सारी पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ होने से लोगों के लाइफ में बहुत बदलाव आया है, लोग कहीं से भी किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, कहीं से मंगवा सकते हैं। साइबर अपराधी इसका फायदा उठाते हैं अते लोगों नु इस बारे पता नहीं हुंदा, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इस संबंधी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अते चंडीगढ़ पुलिस वालों एक नाटक राही लोगों नु जागरूक भी किया जा रहा है। सुखना झील विखे एक नाटक का मंचन भी किया गया। जगबाणी टीवी लई कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। परेशान कर रही है, पसीने छुट रहे, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। जो तापमान वाल झाती मारी है तो दस दिए कि अज तापमान 42.6 डिग्री सैल्सियस से घट्टो घट तापमान 29.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। दस दस बुलेटिन के पास से नहीं फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।